फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ सी क्या होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड जिसे कहते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया है दोनों लैंग्वेजेस में बताया हुआ है दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स इसमें प्रोवाइड किए गए आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा आपको एक भी डाउट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड में नहीं रहेंगे कैसे कलेक्शन करता है कौन सी एग्जामिनेशन करनी है माइक्रो में क्या होगा बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा पैथोलॉजी में क्या होगा दैट्स एवरी थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो सी एस एफ एग्जामिनेशन जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूट कहते हैं सी एस एफ का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूट देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूट का इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूट का मतलब क्या होता है देखिए फुल फॉर्म ऑफ सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूट विच इज सर्कुलेट टू इन ब्रेन एंड स्पाइनल सी एस एफ का पूरा नाम स्पाइनल फ्लूड होता है जो कि मस्तिष्क एवं स्पाइनल कोड में परिवहन करता है सिंपल बात आप याद रखिएगा कि सी एस एफ का फुल फॉर्म क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड अब बोलोगे काम क्या है सिंपल बातें ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में कंटिन्यूसली ट्रेवल करता रहता है आगे देखिए अप्रोक्सीमेटली सिक्स हंड्रेड एम एल ऑफ़ सी एस एफ इज़ प्रोड्यूस डेली मतलब क्या प्रतिदिन हमारे शरीर में 600 सौ एम का निर्माण होता है डेली पर डे आपकी बॉडी में याद रखिएगा इसमें मैं आप लोग को कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ वो भी ध्यान रखिएगा तो याद रखिएगा डेली कितना सी बनेगा 600 हंड्रेड एम पर डे बनता है ठीक है दिस इज़ क्लियर कलरलेस फ्लूट सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एंड इंटस्टिशियल फ्लूड देखो ये ब्लड प्लाज्मा और इंटस्टिशियल फ्लूड की तरह ही एक फ्लूड होता है सीए रंगहीन होता है पहली बात याद रखना सीएसएफ से क्लियर कलरलेस फ्लूड होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा और शरीर के अदर तरल पदार्थों की तरह ही होता है ये भी एक प्रकार से हमारे शरीर का फ्लूड होता है ठीक है फंक्शंस ऑफ सी एस एफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सी एस एफ है तो सही बट उसका काम क्या है क्या वो फंक्शंस करता है देखिए फंक्शन ऑफ सी एस एफ नंबर वन सी एस एफ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ट सिंपल बात है सी एस एफ हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कोर्ट को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, हमारे ब्रेन को हमारे जो स्पाइनल कोट से उसको शॉक एग्जॉर्बर होता है बहुत सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है तो आप वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं इट इज एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बशन एंड इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ ब्रेन ये देखो ये एक प्रक, आ, कई प्रकार की चोटों से हमारे मस्तिष्क को ना मस्तिष्क के नाजुक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है देखो आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी एक ऑर्गन है जो कि क्या करता है बट सॉफ्ट होता है उसको क्या अगर चोट लगेगी तो ईजिली डैमेज हो जाएगा बट सी एस एफ जो होता है अपर साइड ऑफ ब्रेन के चारों तरफ कॉर्टेक्स में भरा रहता है वहाँ से यदि आपको कोई चोट लगी कोई सेंसेशन जाएंगे, तो आपके ब्रेन तक वो पहुँचने ही नहीं देगा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगा चोट वोट को वो अंदर तक आपके ब्रेन तक उसको नहीं जाने देगा इट इज ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट अ डिफरेंट न्यूट्रिशन एंड टू द ब्रेन देखो यह मस्तिष्क तक कई विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन को पहुंचाने का भी कार्य करता है देखो बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी ठीक है तो उन ब्रेन तक उन न्यूट्रिशन को पहुँचाने का काम कौन करता है सी तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सी क्या होता है सिर्फ स्पाइनल फ्लूड बोलते हैं सुरक्षा देता है शॉक एब्जॉर्ब्शन नाजुक अंगों को प्रोटेक्शन देता है और ये हमारे कई प्रकार के न्यूट्रिशन को हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है सी एस एफ नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं पर्पज ऑफ सी एस एफ कलेक्शन अब देखो सी एस एफ निकाला क्यों जाता है सी एस एफ हमारी बॉडी में है काम पता है क्या होता है ये तो ठीक है बट आप सी एस एफ निकालते क्यों हो क्यों उसका कलेक्शन करते हो क्या रीजन है पर्पज ऑफ सी एस एफ कलेक्शन क्या कारण है इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ मैनजाइटिस डिसीज़ सी एस एफ का इस्तेमाल मैनेजाइटिस जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है याद रखिएगा मैनेंजाइटिस इज अ डिसीज विच मे बी ड्यू टू बैक्टीरिया मे बी ड्यू टू वायरस और इट मे बी ड्यू टू फंगस ठीक है बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु किसी की भी वजह से हो सकती है तो आप उस मेनेंजाइटिस का पता किसके द्वारा लगा सकते हो सीएसएफ क्योंकि हमें यार सीएसएफ को बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी के जब आप बाहर निकालोगे तब तो आप उसका टेस्ट कर पाओगे तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑल सो यूज टू डिटेक्शन ऑफ सम इन्फ्लामेट्रिक कंडीशन और क्या पर्पज़ है इसका और कोई इन्फ्लामेटरिक कंडीशन के कारण इन्फ्लामेशन का मतलब होता है आपको सिम्टम दिख जाना कोई दिक्कत हो रही है कोई कंटिन्यूसली फीवर रह रहा है कोई अदर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो उस चीज़ को आप ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे काई के द्वारा सी एस एफ सिरिब्रो स्पाइनल फ्लूट के थ्रू हम उसका यूज़ कर सकते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल है याद रखिएगा सी एस एफ का भी यहाँ पे फोर डायग्नोसिस ऑफ वायरस इन्फेक्शन एंड रेबिस देखो एज रेबिस जैसे कि इसका इस्तेमाल हानिकारक विषाणु यहाँ पे गलती हुई है स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है यहाँ पे विषाणु है ये जैसे रेबिस आदि का पता लगाने के लिए क्या है रेबिस अगर आपको आइडिया हो तो रेबिस एक ऐसा वायरस है जो कि डॉग के माउथ सलाइवा में होता है कुत्तों के मुंह में पाया जाता है पर याद रखिएगा ज़रूरी नहीं होता कि रेबिस जो वायरस है वो डॉग में ही होगा ये कैट्स बिल्लियों में भी पाया जाता है माउस चूहों वगैरह के माउथ में भी होता है तो रेबिस वायरस दोनों जगह पर पाया जा सकता है तो याद रखिएगा रेबिस वायरस जो होता है हमारे ब्रेन को अटैक करता है इसका प्राइमरी सोर्स होता है ब्रेन तो ये सिंपली जाके हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय ब्रेन सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो सीए कलेक्शन कर लेंगे हम और सी एस एफ कलेक्शन के द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि हमें कोई रेबिस वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है नेक्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ सी एस एफ सी एस एफ का हम कलेक्शन कैसे करेंगे क्या कैसे कर पाएंगे सी एस एफ निकालेंगे कैसे हम लोग ठीक है कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जैसे कि हमें एक सीरीज चाहिए होती है सी एस एफ की सरिज थोड़ी बड़ी आती है तीन कंटेनर है देखो वन टू थ्री इन तीनों में हम सी एस एफ निकालेंगे अलग अलग हमें बैंडेज की ज़रूरत लगती है ठीक है तो कुछ स्टेलाइजर की जरूरत पड़ती है ये हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि ड्यूरिंग द सी एस एफ कलेक्शन हमें चाहिए होती है प्रोसीजर अब स्टार्ट करते हैं हम कि सी एस एफ निकालेंगे कैसे बहुत अच्छे से समझिएगा सी एस एफ ऑलवेज कलेक्टेड इन क्लीन एंड ड्राई ऑपरेशन थिएटर एंड इट शुड बी परफॉर्म बाय परफेक्ट पर्सन सी एस एफ को हमेशा साफ़ सुथरे ऑपरेशन थिएटर में निकालना चाहिए और ये हमेशा अनुभवी व्यक्ति के द्वारा करना चाहिए ऐसा क्यों देखो सिंपल बात बताता हूँ यार आप मान लीजिए नॉर्मली कहीं भी कलेक्शन करोगे बाहर निकाल लिया सी तो क्या होता है सी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड रहता है बाहरी इन्वायरमेंट बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे वायरल होते वायरस होते हैं जो कि ये वायरस हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते पर यदि हम क्लीन बिल्कुल स्ट्राइज साफ़ सुथरे रूम में कलेक्ट करना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो फर्स्टली पेशेंट लाई डाउन ऑन बेड एट कम्फर्टेबल पोजिशन पेशेंट को पहले बैक साइड पर उल्टा लेटा लो कम्फर्टेबल पोजिशन में और सर्वप्रथम मरीज को आरामदायक स्थिति में उल्टा लेटाना चाहिए अब करना क्या है हमें उल्टा लेटा के पेशेंट को ना Select द एरिया वेयर वी हैव टू पंचर एंड क्लीन द प्रॉपरली देखो हिंदी में अब उस जगह का निर्धारण करो और अच्छे से स्टलाइज करो अब हमें क्या करना है बैक साइड आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको बताऊँगा हमें सबसे पहले उस जगह को सिलेक्ट करना है उस एरिए को सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमें पंचर करना है मीन्स जहाँ पर हमें निडल को एंटर करवाना होगा नाउ आफ्टर द नीडिल थर्ड फोर्थ लंबर वर्टिवरा इंटर द नीडिल थर्ड फोर्थ लंबर वर्टिव अब सुई को थर्ड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के अंदर डाला जाता है देखो आपकी स्पाइनल कोड में लंबर वर्टिब्रास होते हैं ये लंबर वर्टिब्रा वन टू थ्री थ्री और फोर के बीच में बिटवीन फोर और बिटवीन थ्री के बीच में सेंटर वाले एरिया में हमें निडल को एंटर करवाना चाहिए ये बिल्कुल 180 डिग्री में होता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपको आ सकता है कि सी कौन से लंबर वर्टिब्रा से निकालते हैं तो याद रखिएगा थर्ड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा अब देखिए अब आगे करना क्या है हमें नाउ कलेक्ट द सीएसए अब धीरे धीरे सीएसए बाहर आने लगता है जैसे ही हम नीडल को अंदर डालेंगे तो वाइट कलर का एक फ्लूड निकलने लग जाता है अब इस फ्लूड को हम तीन ट्यूब में लेते हैं ट्यूब वन ट्यूब टू ट्यूब, 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 ट्यूब थ्री सबसे पहली ट्यूब में हमें केमिस्ट्री के लेब में जो भिजवाना है सबसे ट्यूब उसके बाद लास्ट वाली ट्यूब में हमें, हमें हिमाटोलॉजिकल के लिए और बाकी का हमें सेंटर वाली कल्चर के लिए तो तीन कंटेनर हमें मेनली यूज करना है इन तीन कंटेनर का हम यूज़ करेंगे फॉर द अलग अलग कलेक्शन के लिए मतलब अपन अलग अलग इस लेब में भेज सकते हैं इनको फॉर द कलेक्शन ठीक है अभी याद रखिएगा हमने तीन ट्यूब में लिया है आगे चल के हेल्प मिलेगी इससे अब देखो अब क्या करना है हमें आफ्टर द कलेक्शन जब हमें प्रॉपर मात्रा में कलेक्शन मिल जाए तब बैंडेज को पंचर साइड पर अप्लाई कर देना चाहिए प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उस जगह को अच्छे से बैंडेज लगा देना चाहिए वो जो एरिया है ना जहाँ पे आपने पंचर किया है उसको प्रॉपरली बैंडेज से प्रॉपर पैक कर देना चाहिए ताकि वो रिकवर हो सके जो घाव हुआ है वो इसलिए हमें लास्ट में बैंडेज को अप्लाई करना होता है ठीक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सी एस एफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब हम फिजिकली कैसे पता कर पाएंगे सी एस एफ का फिजिकल में क्या क्या देखना है नॉर्मली सी एस एफ क्लियर कलरलेस फ्लूड क्लियर होता है कलरलेस होता है सामान्य अवस्था में सी एस एफ रंगहीन जो नॉर्मल कंडीशन है नॉर्मल पर्सन के अंदर से जब सी एस एफ को निकाला जाता है तब तो वो बिल्कुल कलर होता है रंगहीन होता है नॉर्मल में पर इफ चेंज द कलर देन इट मे बी ड्यू टू समय यदि कलर बदल जाते हैं तो यदि कलर बदल जाते हैं तो कुछ कारण हो सकते हैं कलर बदलने का यदि येलो कलर मिलता है तो ज्वांडिस है ठीक है आपने सीए सिर्फ निकाला देखा बिल्कुल येलो कलर का है तो तो आपको ज्वांडिस हुआ है तब येलो कलर का है रेड सेल ड्यू टू आर मान लीजिए रेड सी बिल्कुल लाल कलर का सी मिल रहा है तो आर उपस्थित है उसमें भाई अगर टर्बिड सी एस एफ ड्यू टू डब्ल्यू यदि गंदा गंदा दिखाई दे, दे रहा है टर्बिड टाइप का दिखाई दे रहा है ठीक है तो हमें समझ जाना चाहिए कि सी एस एफ में डब्ल्यू बी सी की उपस्थिति ज़्यादा है तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट है नॉर्मली सी एस एफ कलरलेस होता है पर यदि कुछ कलर चेंज हो जैसे कि येलो कलर में जॉन्डिस रेड कलर में आर बी सी उपस्थित है और टर्बिट कलर है तो डब्ल्यू बी सी उपस्थित है नेक्स्ट देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ और चीज़ देखते हैं वॉल्यूम जो होता है सी एस एफ का ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप लोग इस चीज़ को स्क्रीनशॉट मार लेना बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सी एस एफ का वॉल्यूम नाइन्टी टू वन फिफ्टी एम एल होता है ठीक है कलर कलरलेस होता है पी एच सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फोर तक होता है अपीरियंस क्लियर लिक्विड होता है अपीरियंस मतलब बिल्कुल क्लियर होता है क्लोट फॉर्मेशन नो क्लोट किसी भी प्रकार के क्लोट नहीं पाए जाते सी एस एफ में स्पेसिफिक ग्रेविटी वन पॉइंट डबल जीरो थ्री से लेकर वन पॉइंट डबल ज़ीरो एट तक होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ओसमेलिटी टू एटी टू टू ठीक है ये भी ऑस्मिलिटी भी इम्पोर्टेंट है कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है तो याद रखिएगा ठीक प्रोटीन है प्रोटीन्स होते हैं पंद्रह से पैंतालीस एम जी पर डे लीटर तक प्रोटीन पाए जाते हैं जिसमें हमारे एल्ब्यूमिन होता है पचास से सत्तर परसेंट ग्लोबलिन होता है तीस से पचास परसेंट तो याद रखिएगा कुछ रेशियो है जो इम्पोर्टेंट है आपको कभी कभी ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं अब देखिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब देखो सी निकाला है तो फर्स्टली डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक क्लीन एंड सबसे पहले हमें क्लीन एंड ड्राई स्लाइड को लेना है ठीक है अब करना क्या है इसमें लेने के ये ले लिया हमनेक्स्ट स्लाइड को लिया सबसे पहले अब करना है क्या एड ए वन ड्रॉप ऑफ सी एस अब क्या करो मैं आपको अगर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ हमें यहाँ पे वन ड्रॉप ऑफ सी एस को ले लेना है सी एस को लेने के बाद क्या करना है हमें नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि नाउ प्लेस द कवर स्लिप ऑन दी अंडर इसके ऊपर अपन को कवर स्लिप जैसे कि सिंपली मैंने ये यहाँ पे लिया था इसके ऊपर मैं एक ऐसी कवर स्लिप को रख देता हूँ ठीक है कवर स्लिप को रखने के बाद मैं क्या करूँगा इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखूँगा और डायरेक्टली इसकी स्टडी करूँगा इसको देखूँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में सिंपल मुझे दिखाई देगा कि बहुत सारी सेल्स वगैरह है तो वो दिखाई देगी पास सेल वगैरह दिखाई देगी और भी अदर चीज़ें मुझे इसमें मिल सकती है जो मैं देख सकता हूँ ठीक है नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम इसको क्लीन कर देता हूँ मैं अब देखिए हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कितनी मात्रा में क्या क्या कौन कौन से बैक्टीरिया उपस्थित है देखिए बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सी एस ए बेस्ट सैंपल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया मैनेजाइटिस एज वेल एज समथिंग डिफरेंट बैक्टीरिया एज माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस हिंदी में समझ लीजिए सी एस एफ सबसे अच्छा सैंपल होता है इसके द्वारा कई विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे जीवाणु मैनेंजाइटिस और दूसरे बैक्टीरिया जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आदि का पता लगाया जा सकता है देखो हम बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए करते हैं अब इसमें हमें करना क्या है सबसे पहले देखो फर्स्टली डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनिंग आर यूज विच इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए एक विशेष प्रकार की स्टेन यूज होती है जिसे हम ग्राम स्टेन कहते हैं सबको पता है ग्राम स्टेनिंग क्या होती है ग्राम स्टेनिंग फिर भी बता दूँ स्टेनिंग का मतलब होता है कलर सोल्यूशन कलर सोल्यूशन जब भी हम किसी कलरलेस चीज़ में जान डालते हैं तो उसको वो कलर कर देता है बैक्टीरिया को कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर यदि सी एस एप में कलर प्रेजेंट है मतलब कि सॉरी उसमें कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम उसे स्टेन कर देंगे ग्राम स्टेनिंग से स्मेयर बना के जब देखेंगे तो हमें दिखाई देगा ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेनिंग मेनली यूज देखो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को देखने के लिए याद रखिएगा एम टी बी बैक्टीरिया एसिड फास्ट फास्ट नेचर में होता है हाई माइकोलिक एसिड उसकी सेल वॉल में होता है तो उसके लिए एक स्पेशल स्टेनिंग यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है आप याद रखिएगा कि बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सिंपल एक स्लाइड लो स्लाइड लेने के बाद उस पर आप बना दो एक स्मेयर स्मेयर पे आप डाल दो सॉल्यूशन कौन सा ग्राम स्टेनिंग डाल दो अगर बैक्टीरिया देखने है तो और अगर स्पेशल बैक्टीरिया जैसे टीबी देखना है ट्यूबर का बैक्टीरिया देखना है तो हम सिंपली इसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पर बढ़ता हूँ ब्लड सेल एग्जामिनेशन यदि आपको यह पता करना है कि आर बी प्लेटिलेट या फिर जो भी सेल आपको सी के अंदर उपस्थित है उनको देखने के लिए हम स्टेनिंग यूज करते देखो फॉर द डिटेक्शन ऑफ सी एस एफ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनिंग आर यूज विच इज कोल्ड लिशमान स्टेन याद रखिएगा रक्त में कोशिकाओं में सी एस एफ उपस्थित उपस्थित है तो उसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार की स्टेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लिशमान स्टेन कहते हैं लिशमान स्टेनिंग एक कलर का नाम है जिसका मेनली इस्तेमाल हम ब्लड हेमेटोलोजी में ही करते हैं उसका मेनली यूज करेंगे हम सी एस एफ का अंदर जो सेल्स से है उसको कलर करने के लिए इंक्रीज न्यूट्रोफिल यदि उसमें हमने देखा कि न्यूट्रोफिल की जा मात्रा सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है तो क्या होगा बैक्टीरियल मेनेंजाइटिस हो सकता है द अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस अभी अभी हुआ है याद रखेगा न्यूट्रोफिल के बनने से कुछ कंडीशन बन सकती है इंक्रीज लिम्फोसाइट यदि लिम्फोसाइट की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा ल्यूकेमिया हो सकता है आपको लिम्फोमा हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस मेनेंजाइटिस हो सकता है तो ये कुछ कंडीशन है जो न्यूट लिम्फोसाइट के बनने पे होगी यदि आपको उसमें दिख रहा है कि इंक्रीज मोनोसाइट की मात्रा ज़्यादा है तो मोनोसाइट बढ़ने पे क्या दिक्कत हो सकती है क्रोनिक मैनेजाइटिस हो सकता है और ट्यूमर क्रोनिक मतलब बहुत पुराने समय से मैनेंजाइटिस हुई है इंक्रीज योसिनोफिल यदि बड़ी होती है तो याद रखिएगा पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और फंगल इन्फेक्शन में ब्लड में भी ऐसा ही है यदि आपकी योसिनोफिल ज़्यादा बढ़ गई है तो ये पैरासाइटिक या पैरासाइटिक या फंगल इन्फेक्शन में ही ये मेनली इंक्रीज होती है तो याद

कि बॉडी के सी एस एफ में प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है तो कौन सी बीमारी हो सकती है बैक्टीरियल मेनेंजाइटिस या वायरल मैनेजाइटिस हो सकता है या सेबरल हेमरेज सेरीबरल हेमरेज का मतलब होता है आपके ब्रेन में कोई ब्लीडिंग व्लीडिंग हुई है उस वजह से प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है तो याद रखिएगा प्रोटीन एग्जामिनेशन में नॉर्मली वैल्यू होती है पंद्रह से पैंतालीस एम जी पर डे सीलीटर बैक्टीरियल मेनेंजाइटिस में बढ़ जाता है वायरल मैनेजाइटिस में बढ़ जाता है सेरेबरल हेमरेज में बढ़ जाता है और ट्यूमर में भी बढ़ता है अब देखो ग्लूकोज एग्जामिनेशन ग्लूकोज में आप क्या पता करोगे नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है 50 से 80 एम पर डे ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग माइंड में फिक्स कर लीजिए इन चीज़ों को अब देखो इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज का लेवल जैसे ज़्यादा बढ़ता है तो डायबिटीज़ एक ही ऐसी कंडीशन होती है जब आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ यू डेफिनेटली यूरिन में बढ़ती है सी में बढ़ती है ब्लड में बढ़ती है हर जगह पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ड्यूरिंग द डायबिटीज़ uh, डायबिटीज़ जब हो जाती है तब तो यार यही था आज की वीडियो में और इसमें मैं आपको कुछ और कम्परिजन वीडियो कम्परेजन चीज़ें और बता देता हूँ जैसे कि देखिए आप ये प्रोटीन वाला पार्ट है शुगर है अब ये क्लोराइड वाला पार्ट है बैक्टीरियल मेनेंजाइटिस में आपका जो प्रोटीन है बढ़ जाएगा और ग्लूकोज कम हो जाएगा ट्यूबर क्लोसिस में प्रोटीन बढ़ेगा और बट नॉट वेरी मच डिक्रीज ये कोई खाद मतलब इसमें कोई मेनली डिफरेंट देखा नहीं जाता शुगर में वायरल इन्फेक्शन में आपका प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा बट ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा ब्रेन ट्यूमर में याद रखिएगा प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है बट शुगर की मात्रा कम हो जाती है ठीक है तो ये कुछ कंडीशन है आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर यदि आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट्स में आपका फीडबैक मुझे जरूर दीजिए गा और आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट्स में बताइए आई विल प्रिपेयर फॉर यू थैंक यू फॉर वॉचिंग यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर्स